ठीक है, क्या आप सभी के स्वागत है आप लोग एक और नए नए वाले वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं इस प्रोडक्ट को, इसके बारे में बात करने वाले हैं कि भाई ये क्या प्रोडक्ट है और ये मैंने ख़रीदा सिर्फ 1100 रुपये में। अरे भाई 1100 रुपये में मैंने कैसे रेड गियर का कॉस्मो 7.1 परचेस कर लिया, इसके बारे में आज हम बात करेंगे एंड इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे एंड रिव्यू भी देखेंगे कि भाई आपको ये परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई मैं ऑलरेडी इसको अनबॉक्स कर चुका हूँ एंड ये रीन्यूड प्रोडक्ट है। ये मुझे मिल गया था कुछ 1100 रुपये का अमेज़ोन के ऊपर। आई डोंट नो अभी अवेलेबल होगा या नहीं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, एक बार चेक कर सकते हो। यह है रेड गियर का कॉस्मो 7.1। आप इसकी क्वालिटी देखोगे ना, आप कहीं से भी नहीं बोलोगे ये 1100 रुपए का है। लाइक अगर आप देखो, ये जो मैं पहन के रखा हूं, ये है रियलमी का वायरलेस 2S, ठीक है। एंड इसकी क्वालिटी आप खुद देख सकते हो, इतना सा जो है ये है 1500 रुपए का, ये है 1100 रुपए का। डेफिनेटली ये जो है वायरलेस हेडफोन नहीं है, ये फिर एक वायर्ड हेडफोन है, बट डेफिनेटली द क्वालिटी दैट यू गेट इज दी बेस्ट ओवर ईयर। तो भाई एकदम मस्त मजा सा आ जाने वाला है आपको। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत खराब था मेरा। ये इतना सा हेडफोन इतने बड़े बॉक्स में आया था, मतलब ऐसा लग रहा 32 इंच की LED TV के डब्बे में दे दिया है। तो गाइस सबसे पहले आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद द पैकेजिंग। लाइक खुद देखो यार ये क्या बकवास है। मतलब मैंने इतनी बुरी पैकेजिंग तो एक्सपेक्ट नहीं की थी रेड गियर जैसे ब्रांड से। अगर आप देखो तो सबसे पहले तो ये क्या है यार, मतलब व्हाट इज दिस यार। ये देखो ये क्या है यार, मतलब हद तो रखी है। अभी चलिए मान लो मैं ये समझ भी सकता हूँ कि चलो ये तो फिर भी आने में हो गया होगा मान लीजिए, बट ये क्या है यार, ये तो भाई आपकी तरफ से ही आया है। पता नहीं यार ये पुराना डब्बा भेज दिया इन लोगों ने क्या यार, आई डोंट नो। चलिए सबसे पहले खोल लेता हूँ मैं इसको, ठीक है इसको खोल लेते हैं। एंड खोलने के बाद हमको ओके अंदर सबसे पहले तो हेडफोन देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी टाइट हो रखे हैं यार, ये शायद दब गया है इस वजह से। सबसे पहले तो इसको साइड में रखते हैं। इसके अंदर स्टिकर देखने को मिल जाता है रेड गियर का एंड ये पता नहीं क्या है, ये आई गेस यहाँ लगा होगा समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से यूज़र मैनुअल मिल जाएगा, हेडफोन मिल जाएगा एंड ऑल। ओके ठीक है चलिए हम अगर हेडफोन देखें तो वाओ मैन हैवी है डेफिनेटली। मेरे को हाथ में उठाने में भी काफ़ी हैवी फील हो रहा है, डेफिनेटली हैवी है। एंड सबसे पहले तो अगर आप देखें तो जो केबल है वाओ लाइक क्वालिटी, USB केबल आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है एंड द क्वालिटी वाओ मैन, मैं सही में इम्प्रेस्ड हूँ विद दिस केबल क्वालिटी। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक कंट्रोलर देखने को मिल जाता है जिसके अंदर 2-3 बटन्स हैं। लेट मी ओपन दिस, इनका पता नहीं, इनके यूसेज हम देखेंगे। एक्चुअल में कुछ सही से मेंशन है नहीं, आप देखोगे तो देखो तो कंप्लीट ब्लैक है एंड हल्का सा दिख रहा है बस ब्लू ब्लू, तो चलिए इसको बाद में देखेंगे। एंड अगर हेडफोन देखें तो वाओ इसके कुशंस काफ़ी सॉफ्ट हैं एंड ये चीज़ ज़रूर मेरे को थोड़ी सी अजीब लगी। लाइक इसको पहनने के बाद पता चलेगा, पहनने के बाद मैं बताता हूँ आपको कैसा क्या सीन रहता है इसका। रेड गियर की ब्रांडिंग है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसके अंदर आई गेस RGB भी है, ये मैंने निकाल दिया एंड वाओ लाइक सीरियसली वाओ यार मज़ा आ गया। एंड यहाँ पर आपको एक माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाता है, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी सही है। बस एक चीज़ यार कि यार ये रिमूवेबल नहीं है, केबल रिमूवेबल है ना ही माइक्रोफोन रिमूवेबल है, ये दोनों अटैच्ड हैं। ओके फाइन, अभी हम इसको जो है पहनते हैं, उसका बताता हूँ आपको आगे का सीन। गाइस ये यूज़र मैनुअल है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके अंदर एक CD भी थी, जैसे कि आप देख सकते हो क्या क्या है हमारे पास, एक CD भी मिलेगी हमको, लेकिन इसके अंदर तो हमें कोई CD मिली नहीं है। एंड उस CD के अंदर कोई सॉफ्टवेयर होगा जिससे कि हम स्पीकर और माइक्रोफोन इन दोनों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमें तो ऐसा कोई CD मिली नहीं है, तो हम इंटरनेट से जो है डाउनलोड कर लेंगे एंड इसको जो है वहाँ से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सबसे छोटा सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां संभालना रो पड़ेगा छोड़ो ये कहानियां। मुझे नहीं पता आपको किस तरीके का साउंड आ रहा है, बट साउंड बाहर तक आ रहा है। मैंने जस्ट एक गाना बजाया तो भाई साउंड एकदम बाहर तक आने लग गया। तो एक बार मैं इसको पहनता हूँ, तो अभी अगर आप देखो तो काफी सही तरीके से आपके चेहरे के ऊपर आ जाता है, सर के ऊपर आ जाता है। ये जो इलास्टिक का मैं कह रहा था ना, मुझे अच्छा नहीं लगा, बट अभी इतना कुछ बुरा नहीं लग रहा। लाइक वो एकदम ऊपर चली गई एंड अभी एकदम ये फिक्स हो गया है। मेरे को ये जो सबसे ऊपर वाला है ये टच भी नहीं हो रहा है। सो डेफिनेटली काफ़ी सही है, लेकिन भारी है डेफिनेटली यार। थोड़ा सा आपके सर के ऊपर वजन तो आता है, क्योंकि देखने में ही पता चलता है एकदम हार्ड कोर चीज़ है। एंड ये है इसका माइक्रोफोन जिसके ऊपर भी लाइट है एंड इधर भी लाइट, अगर आप देखोगे तो
देख सकते हो यहाँ पे भी लाइट है लगी हुई है, आरजीबी लगी हुई है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो उसके कंट्रोलर से। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर भी लाइट जल चुकी है, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, माइक्रोफोन और ये आरजीबी वाली, ठीक है। इसको अगर बंद करेंगे तो आरजीबी भी बंद हो जाएगी, चालू करेंगे तो आरजीबी चालू हो जाएगी। माइक्रोफोन को बंद करेंगे तो माइक्रोफोन इसका काम नहीं करेगा, चालू करेंगे तो चालू हो जाएगा। वॉल्यूम के लिए भी बटन दे दी गई। यहाँ पर आपको जो है राइट और लेफ्ट में जो है आरजीबी देखने को मिल जाती है, माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है उसमें भी आरजीबी देखने को मिल जाती है। वायर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी देखने को मिल जाती है, कंट्रोलर भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा देखने को मिल जाता है, यूएसबी देखने को मिलता है वो भी जाई अगर आप देखो तो काफ़ी तगड़ी क्वालिटी वाला यूएसबी देखने को मिलेगा। ऊपर साइड आपको एक रबर स्ट्रैप देखने को मिल जाता है, रबर स्ट्रैप के ऊपर भी रेड गियर की ब्रांडिंग है। देखो तो यहाँ पे भी नट बोल्ट भी आपको दिखाई दे रहे होते हैं भाई, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब एकदम कंप्लीट रॉ आप उठा के ले आओ फैक्ट्री से, तो उस तरीके का लग रहा है, बट अच्छा लगता है, कुछ ज़्यादा बुरा भी नहीं है। एंड अगर आप जब इसको खींचते हो तो देख सकते हो इस तरीके का जो है लुक आता है, जो कि ठीक ठाक लगता है, अच्छा लगता है। तो मैंने इसको थोड़ा यूज़ करा एंड डेफिनेटली मुझे इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी सही लगी है। नहीं, बैलेंस्ड साउंड है, मैं नहीं बोलूँगा कि यार बहुत तगड़ा साउंड आपको देखने को मिल जाता है या फिर काफ़ी तगड़ा एकदम बेस देखने को मिलेगा, भाई कुछ भी बहुत तगड़ा नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ क्वालिटी बहुत तगड़ी मिलेगी। लाइक इसको काफ़ी ज़्यादा गेमर्स के लिए बनाया गया है, तो जितने भी साउंड है ना, म्यूज़िक एंड ऑल, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस करके डाली गई है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम ऐसा चला लोगे तो एकदम बड़ा बड़ा ऐसा बजने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। काफ़ी प्रिसाइज एंड काफ़ी बैलेंस्ड साउंड आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लाइक मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर बेस थोड़ा कम लगा मेरे को, बट अगर देखा जाए एज कंपैरिजन तो ठीक है, लाइक इतना भी कोई मैं शिकायत नहीं करूँगा। एंड प्राइस रेंज के हिसाब से भाई जो क्वालिटी देखने को मिलती है ना, लाइक आप चाहे इसकी केबल्स देख लो, इसका ये कंट्रोलर देख लो, भाई कितना बड़ा कंट्रोलर है, चाहे ये हेडफोन देख लो, इसके आरजीबीज देख लो, सब A1 लगता है देखने में। यूएसबी वाला हेडफोन है तो डेफिनेटली इसके अंदर आपको वो दो दो तीन तीन 3.5 mm वाला जैक नहीं मिलेगा, सिर्फ यूएसबी लगाओ एंड ये सारी चीज़ें काम करने लग जाएगा। मैंने अपने आईपैड में भी जो है अभी यूएसबी केबल से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करी एंड काफ़ी प्रिटी वेल ये काम कर देता है। तो डेफिनेटली इतना भी मैं नहीं बोलूँगा कि यार बेस्ट है या कुछ भी, बेस्ट मैं नहीं बोलूँगा इस प्राइस रेंज में, काफ़ी और भी अच्छे अच्छे आते हैं, बट क्वालिटी वाइज सारी चीज़ें ओवरऑल देखो ना तो काफ़ी अच्छा है, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसको यूज़ करने में इन दी प्राइस रेंज। ठीक है, मैं एक बार कोई गाना बजाता हूँ NCS का। डेफिनेटली गाइस मज़ा आ रहा है लाइक इसको यूज़ करने में, बस एक चीज़ है कि यार मेरे को इसके अंदर बेस थोड़ा कम लग रहा है, लाइक बाकी सब ठीक है। जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ मुझे बेस जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा है, हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि ये बेस के लिए बना नहीं है, इट इज़ मेड फॉर कि भाई आप गेमिंग करो एंड स्टूडियो का काम जो होगा वो सब करो, तो उसके लिए बना है, बट स्टिल यार थोड़ा सा तो तगड़ा बेस इसके अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो क्वालिटी इसके अंदर है ना, मैं बेस की क्वालिटी भी भाई कहीं से भी कुछ भी फटेगा नहीं, चाहे फुल आवाज़ कर दो कुछ भी, तो बड़ा सही क्वालिटी का बेस है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ठीक है जिस प्राइस पॉइंट पर मैंने इसको परचेज़ किया है ना उसके हिसाब से ठीक है। मैं आपको अगर इसकी प्राइस दिखाऊँ, एक बार आपको बिल ही दिखाता हूँ मैं सीधा, देख सकते हो 1187 लिखा हुआ है, दैट मीन्स मैंने इसको कुछ 1100 रुपये में परचेज़ किया है एंड इन दी प्राइस रेंज ऑफ 1100, लाइक इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट यार, क्योंकि मैंने ये है रियलमी का वायरलेस 2S यही करीबन 1500 रुपये का परचेज़ किया था, तो डेफिनेटली यार वर्थ इट है, डेफिनेटली मेरे को काफ़ी सही लगी क्वालिटी एंड ऑल। इस प्राइस रेंज में आपको आरजीबी सब देखने को मिल जाता है, हालांकि मुझे आरजीबी इतनी कोई पसंद है नहीं, मैं इसको बंद ही करके रखूँगा जनरली, बट फिर भी आपको देखने को मिल जाती है, सबकी अलग चॉइस होती है राइट। तो या तो ये पन्नी तो जो है मैंने निकाल दी, इसको निकालने के बाद ये ऊपर कंप्लीट मेटल आपको देखने को मिल जाता है भाई, कुशन्स काफ़ी सॉफ्ट हैं यार, मतलब पहनने के बाद ज़्यादा आपको कान दुखेंगे नहीं, क्योंकि कान आपके पूरे अंदर चले जाते हैं एंड फॉर श्योर यार आपको ये ऐसे अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, बट आपका नेक ज़रूर दुखने लग जाएगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वज़न है इसके अंदर डेफिनेटली यार, वज़न आ रही है तो आपको थोड़ा बहुत जो है सहन करना पड़ेगा, कुछ टाइम बाद आपको आदत हो जाएगी, बट कुछ टाइम तक ज़रूर दिक्कत आएगी आपको।
हाँ तो भाई देख लिया आप लोगों ने क्या बढ़िया हेडफोन हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इस हेडफोन के साथ कुछ करवाना चाहते हो, गेमिंग का रिव्यू या फिर कोई साउंड रिव्यू, ये सारी चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली इसके बारे में और वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वाले वीडियो में। तब तक ले कहते रहिए राधे 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 राधे। चलिए।